जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमो अरिहंतार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये समसाहून् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्म सुमंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्म और एक भाव पांच भावों में अपनी चर्चा चल रही है, अंतिम पीरियड है, लेकिन लिस्ट अकेले भी यदि पढ़ा दूं आपको केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज की तो लिस्ट है इसकी अभी बाकी। लेकिन एक कहने का आशय यह है कि औदयिक भाव को हम क्यों पढ़ें, मात्र इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़े, रट करके परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़े। जो समाधि की चर्चा अभी चल रही थी उस समाधि के सारे बीज भेद विज्ञान में समाये और वह है औदयिक भाव से भेद विज्ञान। सेट हो गए सारे लोग, स्टार्ट करता हूँ। पेज इसमें निकाल दिया, एकत्व आ रहा है कैसे, एकत्व नाम का पॉइंट है, तीसरा नंबर है। बोलो भाई, गंभीरता से पढ़ोगे तो बहुत पूरी पढ़ाई कर देंगे बहुत सारी, और यदि मजे करते हुए पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा पढ़ा पाएंगे लेकिन आनंद बहुत आएगा। अब मेरा मन दोनों की तरफ हो रहा है। सभी लोग ध्यान से सुने, जितना आता है अपने भाग से उतना आएगा, बाकी आप पेपर्स में दे दूंगा, जिन्हें भी चाहिए हो वो विद्वान है सब, आप उसको समझ सकते हैं। आइए, तीसरा पॉइंट है एकत्व। पहला ही पॉइंट इसको अपन आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में पढ़ रहे हैं, समझ लो इनका, चाहे मेरा ये समझ लो कहने की शैली है, दावा दावा होता है दावा। आप ये भेद विज्ञान के पॉइंट समझ जाइए, आपके जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं रह सकता और मोक्ष होगा और होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड वाइड मिथ्या दृष्टियों की टॉप क्वालिटी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जिसको आप यूं समझते हैं हटाग्रह। हटाग्रह समझते हो, हटाग्रह क्या चीज होती है, ध्यान से सुनो बेटे, हटाग्रह किस क्रिया का नाम है, कौन बताएगा? हटाग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह, नाम सुनोगे आपने, ये होता क्या है? हटाग्रह होता है अपने औदयिक भाव को सच मानना और दूसरों से भी अपेक्षा करना, तुम भी ऐसा ही पढ़ो, तुम भी ऐसा ही सोचो, तुम भी ऐसा ही बोलो। जल्दी कह गए, फिर से बोलो, हटाग्रह समझते हो? पति पत्नी में इसी बात का तनाव है, पति सोचता है दुनिया का मैं वर्ल्ड का नंबर वन हीरो, पत्नी सोचती है मैं नंबर वन थिंकर, मेरी डिसीजन मेकिंग सही, पति पत्नी दो ही समझदार मान रहे अपने आप को, अब झगड़ा होना है बिल्कुल। मैंने आदिनाथ भगवान का दृष्टांत दिया था आपको, वे छोटे छोटे प्रसंगों में भी कैबिनेट की मीटिंग बुलाते, इतना पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस। आपने देखा झगड़ा कब से स्टार्ट होता है, मैंने कह दिया यही करो बस, मैंने कह दिया ना, क्यों सोचते हो ऐसा, मत सोचा करो। आप क्या समझते हो सोचना क्या चीज है, कोई बोर्ड पे लिखी हुई इबारत है मिटा दे, मैं कहता हूं तुम मेरे जैसे सोचो, सोचो जरा, ये है हटा दे। औदयिक भाव को सत्य मान लेना, अपने औदयिक भाव को सत्य मान लेना। यदि मुझसे आप ज्यादा नाराज नहीं हो तो मैं इन विद्यार्थियों को ये बात कहना चाहता हूँ,
ध्यान से सुनना बच्चों लोगों, आप लोगों से कह रहा हूँ, खतरनाक बात है लेकिन कह रहा हूँ, कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। विद्वानों के बारे में पूर्व में कुछ लिखा हुआ है, पूर्व कहने भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो समझ गए हैं सारी बात, बहुत सारी बातें लिखी मैंने, अच्छी बातें नहीं लिखी। वो सम्यक दृष्टि और विद्वानों में थोड़ा फर्क है, समझ लो आप। सम्यक दृष्टि होगा वो गुणेषु प्रमोदम करेगा, उसके ऐसे नहीं लगे क्या बताएं, इस समय हिंदुस्तान में मेरी सोच सही है, बाकी सारे विद्वान कुछ क्रियाकांड खींचते हैं, कुछ स्थूल बातें खींचते हैं, कुछ दृष्टांत शैली वाले हैं, कुछ कला शैली वाले हैं। गुरुदेव को कोई नहीं पकड़ रहा, हर आदमी को यही लगता है गुरुदेव को कोई नहीं पकड़ रहा, गजब हो गया, गुरुदेव को कैसे पकड़ेंगे, कुन कुन तो हाथ केवल मैं नहीं पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा। जी जी मिथ्यास भयंकर का मिथ्यास, बेटे ये रोग नहीं पालना कर। सम्यक दर्शन के लिए क्षोभसम से भी बड़ी चीज है विशुद्धि, प्रायोग लब्धि बड़ी चीज है, करण लब्धि बड़ी चीज है, उसके लिए शैलियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या कह रहे हैं हम, शैलियों की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि शैलियां ब्रह्म को प्राप्त हो जाती हैं। कभी ऐसा मत सोचो दुनिया में कोई नहीं है, एक मैं ही हूं, जी हटा ले। एक गुरुदेव श्री का दृष्टिकोण, गुरुदेव श्री का दृष्टिकोण, जिन्होंने आपको पता नहीं उनके स्वरूप का पता है कि नहीं, मैं तो चाहूंगा उनका जीवन चरित्र फिर सुनो, जिन्होंने नहीं सुना हो तो जरूर सुनना, कोर्स सुना आपने 30 घंटे का, नहीं सुना तो सुन लेना, जिन्होंने नहीं सुना हो मैं फिर कहता हूँ सुन लेना। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल्डन पार्ट ऑफ लाइफ यदि मैं कहूँ तो वो था गुरुदेव श्री के जीवन वृतांत की स्टडी, बहुत बड़ा मेरे जीवन में जो पॉलिशिंग हुई ना थोड़ी बहुत, वो उसी की कृपा है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कल्पना कर सकते हैं आप अपने नौकर को नहीं बदल सकते, आप अपने बेटे को नहीं बदल सकते, आप अपने भाई को नहीं बदल सकते, अपन अपनी जैन समाज के लोग होते हैं 10-20 उनको एक नहीं कर पाते, और गुरुदेव श्री का क्या प्रताप रहा होगा, उनका दृष्टिकोण देखो आप, दृष्टिकोण वे औदिक भाव नहीं देखते थे, वे परिणामिक भाव देखते थे, उसके बल पर मुसलमान समाज का बोरा दिगंबर जैन बना, ममुक्षु बना, कट्टर और प्रवचनकार बना राजकोट का। हरिजन कह रहा हूं, कट्टर ममुक्षु प्रवचनकार, पटेल क्या कहलाते हैं स्वामीनारायण वाले कट्टर, उसमें एक भी दिगंबर श्वेतांबर नहीं होता हूँ मैं। काना तालाब में एक भी दिगंबर श्वेतांबर, सब पटेल हैं पटेल, और देख क्या शिखर बंद मंदिर बनाया है, और प्रोचनकार हैं, और उन्हीं के परिवारों के लोग बसई में जाके रह रहे हैं, बॉम्बे बसई, बसई में जितना विशाल मंदिर बनाया है बम्बई जैसी जगह में, वो देखने लायक, वहां स्वाध्याय होती है। जी मैंने बहुत कम गिनाए आपका, पूरे नहीं गिनाए। गुरुदेव श्री का प्रताप, काय का प्रताप कह रहा हूँ, नाम का प्रताप नहीं कह रहा हूँ, जय जयकार का प्रताप नहीं कह रहा हूँ, पुण्य का भी अतिशय नहीं कह रहा हूँ, देखने के दृष्टिकोण का फर्क। पूज्य गुरुदेव श्री सबको परिणामिक भाव तरीके देखते थे, भूलेला भगवान देखते थे, ऐसे ऐसे लोग जो कट्टर विरोधी थे गुरुदेव को देखते थे नतमस्तक हो गए। मैं आपको भी चाह रहा बेटे, आप भी स्वामी जी जैसा चमत्कार कर सकते हो, अरे आप भगवान जैसा चमत्कार कर सकते हो, आप सिद्ध बन सकते हो, लेकिन इतने छोटे घटा टोप में मत रहो, मेरा क्षोभसम ज्ञान केवल जैसा प्रमाण, दूसरे की विवक्षा सुनने की कोशिश ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं। मैंने इतना खतरनाक रोग है ये, गुरुदेव श्री ने किसी को भी मिथ्या दृष्टि की उपाधि नहीं दी, लेकिन बाद में देखो हर विद्वान दूसरे को मिथ्या दृष्टि, क्या कमाल हो गया मिथ्या दृष्टि। मैं बच्चों से कह रहा हूँ बेटे, सब लोगों से, आप गुरुदेव श्री का विशाल दृष्टिकोण अपनाओ, हिंदू मुस्लिम ऐसे ऐसे लोग, पटेल लोग,
पटेल बहुत चुस्त होते हैं स्वामी नारायण वाले, ऐसे वैसे नहीं होते। देश में विदेश में अभी भी मुसलमान लोग बस्त्रापुर में दिगंबर लोग और ममोक्षु लोग बाद में आते हैं, बरसात में भी सबसे पहले आकर के वो बैठते हैं। दो मुस्लिम भाई और उनकी दोनों की मिसेज, चार रहने वाले थे गांधी नगर के, क्या कहलाता है गांधी नगर है क्या कहलाता है वहाँ कच्छ में, वहाँ के हैं वो रहने वाले, लेकिन वो वहाँ पर प्रवचन में सबसे पहले आते हैं और बल्कि कंप्यूटर ऑपरेट करने का काम ही वो करते हैं। बॉम्बे में पारला मंदिर में एक कार का ड्राइवर मुसलमान, अब वो कार ड्राइव करता था, वे तो प्रवचन सुनने बैठ जाते मंदिर में आके बैठ जाते, वो घंटा दो घंटा करे क्या कार में बैठा रहता। एक दिन जाने क्या दिमाग में चला उसको कि चलो अपन भी जैसे यहाँ बैठे कार में इसे तो मंदिर में ही बैठ जाएंगे, और वो मंदिर में आके बैठा और गुरुदेव का प्रवचन चल रहा। आप कल्पना भी नहीं करना, मुझे फिर वही वाली बात याद आती है, शायद हम उसको ये समझिए क्या समझेगा, सिंपल बात रखा, लेकिन वो व्यक्ति प्रवचन सुनते हुए इतना गदगद हुआ, उस दिन से उसका मांस छूट गया, रात्रि भोजन छूट गया, आलू अबक छूट गया, आज की तारीख में वो कट्टर मुमुक्षु है और गला अच्छा है उसका, तो विधान कराता है, पूजा जाता है समूह में बैठ कर, पता नहीं क्या कह रहे हैं हम इसको, क्या कहेंगे यार। सच में जब कभी कोई कहता है ना मुनिराजों के प्रभाव से शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, तो हमें गुरुदेव श्री की याद आती है कि उनके सामने सभी लोग कैसे कैसे लोग, वो आप पूरे सुन लेना 30 घंटे का, मैंने बहुत उसमें इसलिए नहीं सुना रहा हूँ गुरुदेव की वजह, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कभी किसी को अलग भाव से मत दे, हटाग्रह मत करो, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सोचो, तुम्हें कल्याण करना हो जैसा मैं क्रियाकांड कर रहा हूँ वैसा करो, नहीं। कुछ लोग तो मेरे से नाराज भी हुए, जब गुरुदेव का जीवन चरित्र कह रहा था तो पहले ही एपिसोड में मैंने पहले ही जब स्टार्ट करना था उसकी भूमिका जमानी थी, उस भूमिका में मैंने एक पॉइंट उठाया, बहुत सारी बातें उठाई, वो तो वही सुन लेना आप, एक पॉइंट उठाया, सावधान रहना पूज्य गुरुदेव श्री का हमें औदिक भाव आदर्श नहीं है, मैं कैसे चलते थे कैसे बोलते थे आहा हा करते थे ये कैसे आहार लेते थे कि किस तरह का क्या करते थे क्या बोलते थे, ये हमारा आदर्श नहीं है। गुरुदेव श्री का जो आदर्श था पारिणामिक भाव वो हमारा आदर्श बने, लेकिन मैं उनके उदय भाव की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, उदय की स्टोरी सुना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए सुना रहा हूँ, मैंने उसी समय कही है बात, मैं इसलिए उनकी स्टोरी सुना रहा हूँ कि आज गांधी जी के नाम पर लोग बहुत कम जानते हैं, आज कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस ही खत्म हो गई, कौन जानता है कांग्रेस का संघर्ष कांग्रेस का इतिहास, कहाँ है वो कांग्रेस और कहाँ है गांधी कहाँ है नेहरू, आज 1% भी नहीं जानते उनकी व्यक्तित्व के बारे में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में गुरुदेव श्री का जो कर्तृत्व है वो किसी को खबर ही ना पड़े। तब मुझे ऐसा विकल्प आया था, मैंने गुरुदेव का पूरा जीवन चरित्र इकट्ठा किया और फिर वो कहने में आई संयोग की बात है, लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं इस मामले में बहुत धनी अनुभव करता हूँ, कम से कम 200 विद्वानों का परिचय मिला मुझे। एक पुस्तक है 1952 की छपी हुई जैन जागरण के अग्रदूत, उसमें करीब 35-40 से 50-60-70 ऐसे कुछ 50-60-70 ऐसे कुछ होंगे कुल विद्वानों का, त्यागियों का, सेठों का और राय बहादुर वगैरह का, इनका परिचय छपा है उसमें। उसमें कांजी स्वामी के भी 2 परिचय छपे, छोटे छोटे, ज्यादा बड़े तो नहीं, छोटे छपे लेकिन छपे 1952 में, उसमें संकलित है वो। बस उस पुस्तक का आधार लेकर के, उस पुस्तक का 1952 की पुस्तक का आधार लेकर के फिर मैंने ये लिखा अध्यात्म जागरण के अग्रदूत। उसमें लगभग 200 विद्वानों का परिचय मैंने की, गुरुदेव श्री की शासन की प्रभावना, शासन तो नहीं कहना चाहिए, शासन तो महावीर भगवान का ही है, लेकिन प्रभावना योग में इतना काम हुआ कैसे होगा। मैं तो चाहूंगा जैसे इतिहास की वो चीजें हैं वो देखनी चाहिए आपको, अब इस समय भर रहा है मन। चलो छोड़ता हूँ ये विषय, आप लोग सुन लेना, फिर कभी मिलूंगा तो इसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, मेरे को तो मन करता है बिल्कुल। वो सब
आंखों में झूल जाती है सारी सारी बात। लेकिन बेटे हमने तो आपको आपको कहना है, हटाग्रह नहीं रखना, जैसा मैं करता हूँ वैसे करो, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सोचो। नहीं, आपके भावों की अभिव्यक्ति, एक बहुत अच्छी बात बोलूंगी, सुनोगे सभी लोग? आपको पता है जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उनमें से हो सकता है 1% टीकाकार रहे हो, ग्रंथ लेखक रहे हो, 1%, 2%, 5%, मैक्सिमम बस इतने 5% मैक्सिमम है। तो 95% कैसे थे पता दो, कैसे थे कि मुनि दीक्षा लेने के बाद वे मात्र भैया वृत्ति करते थे और पारिणामिक भाव देखते देखते मोक्ष चले गए। दूसरे मुनिराज टीका लिखते थे तब वे ताड़ पत्र संग्रह करने जाते थे, सामयिक के बाद ताड़ पत्र संग्रह करके रख करके एक साथ कट करना, उनमें छेद करना, उनमें धागा बांध करके उनको पैक करना, उनको सुरक्षित रखना, पूरी जिंदगी बस यही करते रहे। इसके बाद भी मोक्ष चले गए। अब कौन को विश्वास होगा इस बात का? क्यों, कौन से औदय भाव से मोक्ष होता है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन औदय भाव से भिन्न देखने वाले की मोक्ष होता है ये गारंटी है। जल्दी बोल गए, कौन बोलेगा ये बात? वेरी गुड, वेरी बोलोगे, शाबाश भाई। इसके 10 करोड़ देते हो कि नहीं देते? 2 तो अपने पास ड्यू रहेगा, अभी 3रा देना होगा आज, यदि आज बोल देता है तो। हाँ बोल भैया, बोल। बहुत सुंदर, अच्छी बात, एक बार ताली बजा दे बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा कर दिया इसने। तेरे को याद हो गया कि नहीं वैसे बोला तो? अभी भी याद नहीं? तू इधर आ जा मेरे सामने, तू साइड में बैठ गया, मुझे खतरा, बहुत खतरा है, जबकि तेरी ग्रीन शर्ट इसकी रेड शर्ट है, ग्रीन को रेड से दूर रहना चाहिए थोड़ा। समझ आई बेटे क्या बोला? कौन सा औदय भाव होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन औदय भाव से भिन्न देखने वाले की गारंटी है। द्रवलिंगी मुनिराज इतना कठोर तप करते हैं, स्वामी जी तो ऐसे बोलते थे कि जैसे सुइयों से छेद दिया जाए और घी में मिर्ची मिलाकर लेप कर दिया जाए, पहले तो छेद कर दिया जाए बॉडी में और फिर घी में मिर्ची मिलाकर भर दिया जाए और फिर उबलती हुई कढ़ाई में तल दिया जाए, तो भी जिनकी आंख का कोना लाल नहीं हो, ओहो ये दिगंबर द्रवलिंगी मुनि कहवाए। नवगर्भ जाने वाले मुनिराज ऐसे होते हैं जोरदार। इतना अच्छा औदय भाव होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, संबंध मिथिला की गारंटी नहीं मिली, मोक्ष की गारंटी नहीं मिली, 11-9 पूर्व का 600 होने पर भी मोक्ष मार्ग की गारंटी नहीं मिली। हाँ फिर से बोलो पॉइंट। लेकिन औदय भाव से भिन्न पारिणामिक भाव, बस जो औदय भाव है उससे भिन्न पारिणामिक भाव अनुभव करते जाओ, मोक्ष की गारंटी, एक लाइन में मोक्ष मार्ग। फिर कहता हूँ हटाग्रह समझो, हटाग्रह जैसा मैं खाता हूँ वैसे तुम खाओ, सब सब से शिथिलाचारी है, सब भ्रष्टाचारी है, सब बस आरो का पानी पीने लगे, फिर फला का पीने लगे। अरे जो पी रहे पहले सब तत्व तो सुनने दो, सभी समझ रहे, इतने इशारे में बहुत कुछ कह दिया। ऐसा खा लो तो निगोच चले जाओगे, ऐसे खा लो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, पहले सम्यक दर्शन, पहले सम्यक दर्शन नहीं होगा इसकी गारंटी पहले दे दी। अरे ये बताओ पारिणामिक भाव देखने वाले को सम्यक दर्शन की गारंटी है, समझ गए बेटे? हर आदमी अपने आप को औदय भाव से या छायब समेत या शैली, इनसे अपने आप को सुपर स्वयंभू मान लिए, स्वयंभू मत मानो, केवली जैसे प्रमाणिक नहीं हो गए। हमारा ज्ञान बहुत अल्प है और जिनागम बहुत विशिष्ट है, बहुत विस्तृत है, द्वादशांग काय से कहते हैं। सुना इतनी बढ़िया भाषा लिखी है रत्नगढ़ साहब आचार्य जी ने, जो दो अक्षर को हूँ ज्ञान दे, दो अक्षर समझ गए, दो अक्षर समझ गए, दो अक्षर कौन से होते हैं तो समझ लो ओम। तो जो माँ अपने बेटे को ओम कहना सिखाती है, जो माँ जन्मने के बाद बच्चे को सबसे पहले ओम सुनाती है, बदल दी बात, क्या बोली मैंने, कौन बोलेगा? चल बोल बेटी, शाबाश, बहुत बढ़िया, यही बच्चा है, इसको भी 10 करोड़ दे, बहुत बढ़िया, ले हम ये निकाल के ला, खोलने वोलने करा के रख लेना, नहीं तो वजन रह जाता मेरे ऊपर।
सही में, अरे बहुत बड़ी बात है भाई साहब, 9:30 बजे बच्चे सुन रहे हैं, क्या गजब बात, आप सुनना तुमने क्या कहा है? जो माँ बच्चे को जन्मते से ही ओम सुना दिया, मम्मा 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 है कहा, मम्मा मम्मा कर ले, पप्पा 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 है कहा, पप्पा कर ले, नहीं नहीं सबसे पहले ओम, दो अक्षर को हो ज्ञान दे है। आगे क्या लिखा पता है, सो गढ़ घर को सो उपकार करे, क्या क्या लिखा है, कैसा उपकार है पंडित साहब, बहुत प्रेरणा करते हैं, अरे कोई पाठशाला पढ़ा रहे नवकर्मन सिखा रहा है, उसे छोटा मोटा मत समझो, जो नवकर्मन सिखा रहा है बहुत बड़ा काम कर रहा है, सुमत प्रकाश बहुत बड़ा है भाई साहब, ये जितने बच्चे आए ना वो नवकर्मन जो जिस माँ ने पढ़ाया होगा, जिस पाठशाला में पढ़ाया गया होगा, उसकी पहली देन है, उस ईट के ऊपर रखा करके वो इधर आया है, यदि उसमें पाठशाला में वो चत्तारी मंगलम नहीं सिखाया होता तो यहाँ नहीं आ पाते आप, और मेरे प्रवचन नहीं सुन रहे होते, वो पहली कक्षा का बड़ा श्रेय है, वो उधर से आया है यहाँ से, कभी हटाग्रह नहीं करना, कभी किसी का अनादर नहीं करना, एमए पढ़ाने वाला व्यक्ति और कक्षा एक या नर्सरी पढ़ाने वाला व्यक्ति की महिमा में अंतर नहीं है, सैलरी में अंतर हो सकता है लेकिन महिमा में अंतर नहीं है, ऐसे सोचना खूब, अब तुम्हें बात कर ले आएगा, नहीं तो अच्छा ये पढ़ लो, हाँ ठीक है नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहा, हम कहते हैं भैया ग्रुप शिविर में पढ़ाने वाले हमारे बच्चे जाते हैं, हमें उनकी बड़ी महिमा आती है, बहुत प्रेरणा करती हैं, और जो ले जाते हैं उनसे हमेशा कहते हैं भैया इनका ध्यान रखना, हमारे बच्चे बीमार होकर लौटेंगे तो शायद इसकी माँ अगली बार जाने नहीं देगी, इसे बीमार नहीं होना चाहिए, अच्छे से खाते पीते रहना बेटे, खूब कह देते बढ़िया प्रेम से, जिसे संचालन करते हैं संचालन, हम उन पर बहुत नाराज होते हैं, मैंने तुम ये मत सोचो कि एक व्यक्ति है संचालक ऊपर, अब आपके लिए गन्ने का रस लाए, तुम तो खुद ऑर्डर कर दो गन्ने का रस पियो, बीमार नहीं हो, छाछ पीना छाछ पियो, अच्छे से खाओ पियो, क्यों जैन शासन की प्रभावना करने में आपका योगदान, खैर ऐसे भावुक नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या कह रहे देखो पढ़ो इसमें से, औदयी भाव का हटाग्रह दुराग्रह एक करता तो मिथ्यात्म है, मिथ्यात्म है, मैं बहुत अच्छे से पूजा करता हूँ, बहुत अच्छे से पूजा कौन करता है, याद होगा पुराना पाठ से बता दो, बहुत अच्छे से पूजा कौन करता है, बहुत अच्छे से प्रवचन कौन सुनता है, जय शाबाश, दो बच्चे जीत गए, वेरी गुड टीम, तुमने कौन सा उत्तर दिया, वेरी गुड, तीन बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड भैया, तुम पिछड़ रहे तुम्हारा स्कोर क्या बात है, हाँ अलर्ट रहो, औदयी भाव कैसा होता है पता है, औदयी भाव कैसा होता है, कभी भी सम्माननीय नहीं होता, और तुम उससे खुश हो रहे हो, फिर से बोलो, औदयी भाव कभी सम्माननीय नहीं होता और तुम खुश हो रहे हो, एकद ममत की बात आ रही है, एकद ममत सुन, मोक्ष में भी एकद ममत करने से मिथ्यात होता है, ये तो औदयी भाव है, मैं बहुत अच्छे से प्रवचन सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से अरे केवल ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, निर्मल पर्यायों में भी एकद ममत करने से तो मिथ्यात होता है, और औदयी भाव में लड़ाई काय के बल पर होती है पता है, पारनामी के बल पर लड़ाई नहीं होती, औदयी के बल पर लड़ाई होती है, आपने देखा वो जो पांच पूजा करते हैं जो जब भी चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, हाउ जी स्वच्छंदी एक पूजा कर, एक ही पूजा नहीं करे, अरे एक ही पूजा नहीं करते, चार घंटे छह घंटे स्वाध्याय करते हैं, आपको एक दिन मुझे इच्छा हो रही है, जैसे अभी इतने संग्रह किए ना, जैसे एक दिन मैं पूजा का भी संग्रह पढ़ाऊंगा, पूजा काय से कहते हैं आपको बताएं, जैसे जैसे पुरुषार्थ ऊंचा होता जाता है पूजा का प्रकार बदलता जाता है, क्या बोला हमने, जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, निर्मलता बढ़ती जाती है, गुणस्थान बढ़ती जाती है, पूजा घटती नहीं है, पूजा बढ़ती जाती है, उसका प्रकार बदल जाता है, खराब दृष्टांत दो, खराब दृष्टांत जल्दी समझ जाओगे आप, खराब दृष्टांत, जब शादी होकर पति पत्नी मिलती है ना तो उनमें प्रेम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आई लव यू बहुत बोलती है, और जब 80 साल के डोकरे डोकरी हो जाती है तो एक दिन भी आई लव यू नहीं बोलते, लेकिन उनका लव असली होता है, अब कैसा अच्छा होता होगा वो तो आप समझते ही होंगे, वो शब्दातीत है, वो
उन्हें कहो 80 साल के पिताजी होने गर्मी के दिनों से चड्डी में बैठे हुए ऐसे ही उघारे बैठे हुए ऊपर पति देवता है, पति देवता परमेश्वर ऐसे बैठे आराम से गर्मी और बड्डू कर लिया है जो दुल्हन बनी थी एक साइड बैठी कहा है रोटी नहीं जह रही रोटी जह रही। अब उन्हें कही हमें नहीं जहने कहा क्या बात है तबियत खराब है खिचड़ी बना दी दरिया बना दी रह गई तना। अब ये जो लव है ना लव ये बहुत गहरा है इसमें आई लव यू के शब्द नहीं है ऐसे नहीं है ये जो नाटक नौटंकी करना सिखाती है ना फिल्मों ने तुम्हें समझ गए फ्लाइंग समझ गए होगी जी फ्लाइंग विलाइंग कैसी नहीं की जी ये बहुत अंतर में डेप्थ है इसमें मैंने कैसी कैसी नौटंकी सीख ली असलियत की खबर ही नहीं पड़ती जी है असलियत भगवान की पूजा ऐसी होती है बता दो ये भगवान की पूजा बोल दी चलो बोलो बोलो आज सुबह की घटना याद आ गई तुम लोगों किसी को कौन कौन बैठा था सुबह पूजा विधान में बैठे थे कुछ देखा था आप लोगों ने मैं 8 दिन से देख रहा हूँ मेरे पुजारी को खबर भी पहुंचा रही है एक दो बार बेटे आप धोई दुपट्टा पहनेंगे सफाई कर दो 3 बार आज तो हमने देखा ही नहीं हमसे रहा नहीं गया देखा नहीं गया तो फिर हमने कहा चलो हम कर ही दो फिर दूसरे एक दो बच्चे भी आ गए थे एक बोर भी आ गए थे तो अच्छे सफाई सब तसल्ली मिली मैंने क्या कमाल है हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे और भगवान के ऊपर कीड़े मरे पड़े मक्खी मरी पड़ी 8 दिन से बारी बारी कीड़े चारों तरफ भरे पड़े उसमें लाइट की वजह से और कोई को दर्शन में दिखे नहीं सोचे जरा आपको भोजन कराने जाए और वहां ऐसी अव्यवस्था हो ससुराल में तो क्या होगा सोचे जरा जिस बिस्तर पे आपको सोने के लिए दिया गया है उसका पलंग की बदबू दे रही हो चाहता है आप वहां ऐसी करती हो वहां बीतरागी बन जाती हो सुनो ये असली पूजा है अर्घ्य चढ़ाने वाली छोटी पूजा है और देश सहज गुरु अपने उनमें अपना हित भाषित होता है मालूम है पूजा प्रक्षाल में अपना काम भाषित होता है इसका दृष्टांत देके सुना रहा हूँ पूजा प्रक्षाल में अपना काम भाषित होता है जैसे दृष्टांत अभी तक समझ नहीं आया पूजा प्रक्षाल में अपना काम क्या होता है तुम्हें दृष्टांत देता हूँ ये बच्चा नहीं पढ़ पाया तो तुम्हें लगता है हमारा ये काम बाकी रह गया इसका होमवर्क नहीं करा पाया आज हमारा काम बाकी रह गया ये बच्चा बिगड़ रहा है इसे सुधारने के लिए हम समझा नहीं पा रहे हैं आज ये हमको समझाना हमारा काम है ये बच्चे को सुधारना हमारा काम है ऐसे देव सास गुरु में अपना तो जब आता है कबूतर बैठ कैसे गया कबूतर बैठ के फिर भी चढ़ाए जा रहे हैं अपन आप सब देख रहे हो वही कबूतर खा रहे और फिर भगवान के ऊपर जाके बीट कर रहे या वो उसके ऊपर जाके बीट कर रहे हो क्या कहलाता वो छत्र के ऊपर समझ गए मैंने कुछ कहा है आज के बाद एक काम जरूर करो मेरी तो बहुत इच्छा थी मैंने पहले भी कहा था फुल साइज की जाली की जितनी बड़ी टेबल है फुल साइज को एक लगा दिया जाए जाली वाली ताकि कोई भी डर जाएगी तो उसके अंदर चली जाएगी तो ना नीचे गिरेगी वो नीचे पड़ी रहती बहुत सारी फिर उसमें अब कौआ कबूतर आते हैं खाने के लिए तो आपने देखा उस पर भी बीट पड़ी रहती और उधर फिर भगवान के ऊपर बैठते हैं जब हमने सब हटा दिए थे फिर उधर कबूतर कितने मिले थोड़ा सा विचार करो तो मेरा मतलब कहीं भी जाओ जिन मानी अव्यवस्थित है आपने पूजा की नहीं आपने देखा ही नहीं पूजा जिस समय सारे जी आप गीत गा रहे उसके पन्ने फट रहे और आपने देख के निकल गए आपको चिपकाने का भाव नहीं आया आपकी रजिस्ट्री ऐसी मिल जाए तो क्या करोगे बोलो बताओ रजिस्ट्री ऐसी मिलेगी तो क्या करोगे लेमिनेशन करवाओगे सुरक्षित रखवाओगे आइक बनाओगे उसकी कॉपी करवा लोगे जो कुछ करो 100 काम करोगे आप और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाए आपको चैन नहीं पड़ेगी रात को नींद नहीं निकल पाएगा कल उसको फोन करके बुलाना है और रजिस्ट्री के पेपर सही कराने इसका नाम है पूजा आज पूजा बदल गई पहले बचनों से हो रही थी फिर काया से हो रही थी फिर द्रव चढ़ाने से हो रही थी अब एक समय ऐसा आता है कि किंचित मात्र भी भगवान की आराधना ना हो जाए ये पूजा है बाद में मैं आराधना में किंचित मात्र ना चूकूं ये पूजा है जल्दी बोल के क्या बोला आखिरी पूजा क्या बताएगी हाँ आराधना में आत्मा की लीनता में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे में किंचित मात्र भी कमी होती है ना हे प्रभु मैं आपकी पूजा करने में असमर्थ हूँ कोई नहीं लिखी है बात परमात्मा प्रकाश जी या धवला जी में आई नहीं बात हे भगवान आज तक मैंने आपका दर्शन ही नहीं किया हम आपसे पूजा तो आपसे झट के तो हम तो रोज करते हैं दर्शन और 5 पूजा पढ़ते हैं 5 पूजा माने प्राइमरी
दस पूजा मैंने प्राइमरी, उससे आगे बढ़ो। सुनो, अब तुम्हें अंदर में महिमा आई। मतलब आप ही अकेले को सारा काम करना पड़े, पांचों प्रतिमाओं का, तो आपको कैसा लगेगा? हमारी जिंदगी में एक घंटा खराब हो गया, ये नहीं तैयार मिलता था, पांच मिनट के अंदर अभिषेक करके झटपट चला जाता। क्या है, आज मेरी किस्मत खराब है, पानी बनना पड़ा, फिर गर्म करना पड़ा, फिर एक घंटा प्रक्षण में लग गया, एक घंटा पूजा कब करेंगे बताओ, स्वाध्याय कब करेंगे? सुनो, आज तुमने पूजा और प्रक्षण बिल्कुल नहीं की, आज तो तुमने अपने आप को मलिन कर डाला। दृष्टांत देखे बोलू, कुछ दृष्टांत देखे, आज आपने बहुत मलिन कर डाला अपने आप को। आज तो एक घंटा नहीं, तुमने एक सेकंड पूजा नहीं करी, प्रक्षाल ही नहीं किया, ये कैसी पूजा है? हम तो कर रहे फिजिकली, तुम शरीर नहीं हो। एक दिन बोला था मैंने, याद है किसी को? आपको याद है? शायद मैं भी बताया हो, यहाँ फिर बता देता हूँ। मैं पंडित साहब की सेवा करने गया, तो मैंने कहा मुझे 7 साल भर बाहर रहता हूँ, मुझे सौभाग्य नहीं मिलता कि आपकी भैया वृत्ति करूँ, सेवा करूँ। तो पंडित साहब मूड में थे, सब इतनी अच्छी बात बोले, तुम एक काम करो, तुम ऐसी सेवा करो कि न तुम्हारे हाथ पाओ है ना मेरे हाथ पाओ, अब तुम मेरी सेवा करो। समझ आया किसी को? न तुम्हारा शरीर है न मेरा शरीर, न तुम्हारे हाथ पाओ न हमारे हाथ पाओ, अब तुम हमारी सेवा करो। कैसे करो? अपनी तो बुद्धि नहीं थी, हाथ जोड़ लिए। फिर प्रवचन में एक घंटा अर्थ बताया उसका, बेटे तुम स्वच्छंद नहीं हो गए, गुरु की सेवा है, तुम स्वच्छंद असंयम से जीवन यापन करोगे, जिन शासन मलिन होगा, अप्रभावना होगी, तुम बीमार होगे, असाधा बेदनी होगी, जैनों को ये लगेगा, अरे अजैनों को ये लगेगा, दिगंबरों के ब्रह्मचारी दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं, उनका पुण्य क्षीण है, कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। बेटा ये सब बातें होंगी ना, उस दिन तुम जैन शासन की सेवा नहीं कर पाओगे, भैया वृत्ति नहीं कर पाओगे, तुम निर्दोष जीवन जियोगे, उस दिन एक ज्ञानी की नहीं अनंत ज्ञानियों की सेवा करोगे। एक घंटा चलाओ बेटे। आई बात समझ आ रही बेटे? मम्मी की सेवा कर सकते हो, अब तुम्हारा भी शरीर नहीं है, मम्मी का भी शरीर नहीं है, अब बोलो कैसे सेवा करोगे? बोलो बोलो, चलो वेरी गुड। हाँ एक बात तो बताई, एक बात प्रैक्टिकल बताओ, जी तो हमने बताई नहीं। अच्छा प्रैक्टिकल बताओ बढ़िया, मान लो तुम किसी हॉस्टल में पढ़ने चले जाओ और तुम पढ़ाई नहीं करो तो मम्मी दुखी होंगी, तो चाहे जो चीज खा लो बीमार हो जाओ तो मम्मी दुखी होगी। मम्मी को दुखी करना माने सेवा नहीं करना, और मम्मी प्रसन्न रहे, मम्मी निश्चिंत, नहीं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हम निश्चिंत है, वो कभी बाजार की चीज नहीं खाता, वो कभी गालियां नहीं सीखेगा, कभी कुसंग नहीं करेगा, अरे हमारा बच्चा हमें पूर्ण विश्वास है, ये सेवा है। समझ गए सब बच्चे लोग हॉस्टल में पढ़ रहे हैं आप लोग, समझ गए अपने मम्मी की सेवा? आप निर्दोष चरित्रवान बन के निकलोगे, उस दिन मम्मी की कितनी प्रसन्न होगी, वो सेवा है। क्यों पापा की सेवा कैसे करना चाहिए? ऐसे सेवा करोगे वो हड्डी पसली और टूट जाए, ऐसे हाथ पैर दबाओगे उनके और दर्द होने लगे, पिताजी का बेटा जरा कमर दबा देना, धम 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 बेटा मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे गुरुजन दुखी हो, जिससे अपने माता पिता दुखी हो, ये नहीं होना चाहिए। अब सोचो बेटे कितनी जिम्मेदारी, इतनी दूर रहकर के सेवा कर सकते हो? मैंने कौन सा पाठ पढ़ाया आज आप बता सकते हो? बाल बोध एक का पहला ही पाठ नमोकार मन के बाद बोलो पंच परमेश्वर की शरण का क्या अर्थ है, सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में, तुम सेवा कैसे करोगे? बोलो बोलो सिद्ध भगवान की सेवा कैसे करोगे? बहुत दूर है वे तो, कैसे करोगे? बहुत बढ़िया, बोलो बेटे कौन बोलेगा बढ़िया उत्तर? बाल बोध पे लिखा हुआ याद हो तो बोलो, बोलो बेटे कौन बोलेगा बच्चों में से? बाल बोध एक, अब तो शास्त्री बच्चों से ही पूछ रहे हैं, वेरी गुड, कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? देखो बाल बोध एक का प्रश्न है बेटे, सबका हाथ खड़ा हो जाना चाहिए इसने में तो, बोलोगे बेटे कौन बोलेगा? बोल बेटे, बहुत प्यारा उत्तर, मैं तो सच कह रहा हूँ, जब मैंने पढ़ा था तो रीझा था, नाचा था मैं उसके ऊपर, नाचना समझते ना? बोलो थोड़ी सी लाइन होते, बहुत बढ़िया, वही काम की बात रह गई बस, तेरे को अपने आप से आएगी, कोई ने नकल कराई? नकल कराई तो नहीं। हाँ बोल बेटे, हाँ
एक काम की बात छूट गई बेटे। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आ गया, तेरा इशारा आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोलेगा कौन? बड़े पूरा बोल बेटे, बोलो शाबाश। ये तो अधूरा हो गया बेटे, निश्चय का हो गया, व्यवहार भी तो बोलो। निश्चय व्यवहार, अच्छी बढ़िया, इतनी बढ़िया परिभाषा है निश्चय व्यवहार, बोल बेटे। हाँ एक शब्द खा गए। हाँ हाँ वेरी गुड। मैं एक एक शब्द न पता लाए, मैं सच कह रहा हूँ, इसे एक घंटा प्रवचन किया मैंने टीकमगढ़ में सन 84 में, 83-84 में, 83 की बात है, 83 की मैंने एक घंटा प्रवचन किया इस लाइन पे, जब मैं पहली बार वहां गया था टीकमगढ़ पहली बार। फिर से बोलो क्या बोला था? पंच परमेश्वरी भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, अपनी आत्मा की शरण लेना, यही सिद्ध भगवान की शरण है। अपन सुखी हो गए, अतीन्द्रिय सुखी हो गए, नहीं अतीन्द्रिय ज्ञानी हो गए, ये सिद्ध भगवान की सेवा है, सिद्ध भगवान की शरण है। कौन कहता है आचार कुंतुन हमारे सामने नहीं है, करो सेवा, करो आचार कुंतुन तुम्हारे सामने। इतने अच्छा कृत्य होना चाहिए कि आचार कुंतुन आए तो तुम्हें गले से लगा ले, तुम्हें देखते से प्रसन्न हो जाए, हाँ तुम भव्य जीव। ऐसा नहीं हो कि अपने ऐसे कृत्य करें कि आचार्य कुंतुन स्वामी आए तो सब दुपयोग में चले गए, नहीं देख रहे क्या करें, देखने लायक ही नहीं बचे तुम। खैर कोई बात नहीं, अपन इतने लंबे लंबे जा रहे हैं, आज ही ज्यादा पढ़ाना है और आज ही ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ मैं। क्या बात कर सकते, चले गए थे अपन, हटाग्रह नहीं करना, एकन्वमत नहीं करना, और ही भाव में दीन नहीं होना, दीन नहीं होना, और ही भाव में दीन नहीं होना, औदिक भाव में दीन नहीं होना। औदिक भाव का मतलब समझो, जरा थोड़ा सा समझो, सभी लोग ध्यान से सुनना बेटे, बहुत काम की बात है, जरा ऐसे हाथ नहीं रखो बेटे, एकदम ऐसे जाओ जल्दी से, बढ़िया रीड करनी सीधी एकदम, आप कहोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब पूरा तो वैसे ही नहीं होना है, पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा। अच्छा बैठो बेटे, हाँ नींद आ रही है तो छोड़ दूंगा, बोलो। बहुत काम की बात, मैं बहुत तौल के एक अच्छी काम की बात करूं, विश्व में कोई भी औदिक भाव, उल्टा नहीं पकड़ना, विश्व में कोई भी औदिक भाव बुरा नहीं होता, लेकिन उसे भेद विज्ञान नहीं करना बहुत बुरा होता है। कौन बोलेगा? वेरी गुड, अपना हाथ खड़ा हो गया आपका, वेरी गुड। किसको मौका दूं? चल बेटे छोटू पीछे, रेड कलर का तेरी टी शर्ट, बहुत बढ़िया शाबाश प्यारे बच्चे, वेरी गुड, तबीयत खुश हो गई बेटे, ऐसा लगता है कि गले से लगा लो, सच में बड़ा मजा आता है। बोल भैया एक बार जोर से बोल, ऐसी बुलंद आवाज में बोल जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं आजकल, ये बुरा, वेरी गुड, बोल बेटिया। प्रजल क्या नाम? प्रजल नाम, बोल बेटा जोर से बोल, अच्छी राजुल का, राहुल गांधी। हाँ वेद विज्ञान नहीं करना बुरा होता, बैठो कान तू बोल जोर से, बोल बेटे। बोरा वेरी गुड, समझ गए कितनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात, आपको समझ में आ रही कुछ? यदि समझ गए तो बस आज मस्त ही हो गया आप सबके साथ, मैं इशारे से कह रहा हूँ, आप अपने अपने में लगा लेना, मैं इशारे से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो इधर, मैं इशारे से कह रहा हूँ, आप अपने अपने में लगा लेना। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती की 96,000 शादियां हो रही हो, 6 खंड का भोग, तो आपको एक बार ऐसा 96,000 शादी पुरुषार्थ नहीं किया शादी नहीं करने का, तुम्हें क्या लगता है शादी नहीं करने का पुरुषार्थ करना चाहिए तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को? 96,000 शादी, भाई साहब ये औदिक भाव है, ये बुरा नहीं है, लेकिन उसे भेद विज्ञान नहीं करना। उन्होंने तो भेद विज्ञान कर लिया था इसलिए मोक्ष चले गए, और तुम उनसे भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे, अभी भी तुम्हें लग रहा है 96,000 शादी, 6 खंड का भोग, ये सबसे बड़े बड़ा दृष्टांत क्या औदिक भाव का, इससे बड़ा औदिक भाव का दृष्टांत मुझे मिला नहीं कहीं, इससे भी खतरनाक कोई औदिक भाव हो तो बता दे ना। अब सोचो औदिक भाव बुरा नहीं होता, उस औदिक भाव से भेद विज्ञान नहीं करना बहुत बुरा होता है, उसके फल में निगोज जाता है जी,
छियानवे शादी का भी भाव आ जाए ना तो डरने की बात नहीं है, कर लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कर भी नहीं पाओगे वैसे, और जब होएगी तो रोक नहीं पाओगे क्योंकि औदिक भाव करने से होता नहीं है और होने से रुकता नहीं है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला हाँ बोल बेटी साहब आए। हाँ होता है तो रुकता नहीं है, जब तुम ताकतवर होगे ना, मैंने जब तुम्हारा कर्म का उदय होगा तब हमेशा भाव होंगे, समझ गए बेटे। अब कितनी बड़ा जवाब दे दिया आज आर्ट ऑफ लिविंग का, छोटे छोटे भावों में दुखी है पंडित जी के परिणाम ऐसे होते हैं, ऐसा चेष्टा हो जाती है तो जाने क्यों ऐसा हो रहा है, मैं तो सोच रहा था ब्रह्मचारी हो जाऊं, जाने क्यों शादी के भाव हो रहे। अरे वो जाने दे, ओ जाने दे, और तू भेद विज्ञान कर बस खत्म। अब तो याद रह जाएगी बस, कभी नहीं डरना, कोई वो भाव बुरा नहीं होता। ठीक, ज्ञानियों का इसीलिए तो आना नहीं, वेद विज्ञान करते हैं। चलो आगे चलते हैं। औदिक भाव से किसी को दीन नहीं मानना और औदिक भाव से किसी को महान नहीं मानना। पता है 8 घंटा बैठा रहता हूँ ध्यान में, इसलिए तो औदिक भाव भले आदमी बैठा रहता है, ये बताओ आनंद कितना होता है, परिणामी को निर्भर कितने रहते हो तुम, तो अपने को ज्ञाता कितना अनुभव करती हो। प्रैक्टिस करते करते अब मैं 8 घंटा बैठने लगा, तो प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा भजन प्रैक्टिस पे चला गया, औदिक भाव पे चला गया, शरीर पे चला गया। सुनो इससे कोई महिमा नहीं, समझ गए, कोई महिमा नहीं। मैं रुक तो गया हूँ कुछ कहने के लिए, आप प्रथमानियों को गौर से पढ़ के देखना, जिन्हें हम बहुत अच्छा औदिक भाव वाला समझ रहे थे उनका कल्याण नहीं हुआ, और एट रैंडम एकदम यू टर्न आया, सप्त व्यसनी अन्य चोर, एक भी शिविर अटेंड नहीं किया अब धनो धन हो गया, कहाँ भी भोगों में मग्न थे भोग भूमि में, वो कहाँ उनको समोसन, वो विदेश से आए मुनिराज और आदिदान भगवान के जी को सम्यक दर्शन कराने में निमित्त हुए, कहाँ से कहाँ, कहाँ वो कुत्ता जल रहा था और कहाँ उन्होंने वो जीवंदर स्वामी थे कौन थे जिन्होंने उनको नौकायमन सुना दिया, कहाँ से कहाँ योग, कहाँ नाग नागिन का जोड़ा और कहाँ पारसनाथ भगवान का जरा सा योग। भाई साहब आप पढ़ के देखो, एक नहीं हजारों नहीं लाखों घटना नहीं असंख्य, एट रैंडम कल्याण का समय आता है और कल्याण होता है। और हम जो बहुत पहले से इमेजिनेशन करते ना, इमेजिनेशन समझ गए, मैं सुपर बन के दिखा दूंगा। आप लोग दुखी क्यों होते हो पता है, चलो बोल ही देता हूँ क्यों दुखी होते हो। सभी लोग बच्चे सुनना, आपकी प्रॉब्लम सुना रहा हूँ, वेरी गुड। लिखो नहीं बेटे, ए लिखो नहीं, पहले समझो बेटे, आज का प्रवचन लिखने लायक नहीं है, समझ लो या पी जाओ। आप सबकी प्रॉब्लम सुना रहा हूँ, आप सबकी प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी मत सोचो कि मुझे क्या बनना है क्या करना है, केवल एक ही चीज सोचो, भवितव्य मेरे से क्या कराएगा मुझे मंजूर है, कौन बोलेगा, वेरी गुड। एक विकेट डाउन रहा, क्यों भाई तुम्हारा हाथ खड़ा नहीं हुआ है, बोल बोल बोल, तेरे से मौका, हाफ डाउन था ना इसलिए मैंने सोचा। हाँ बोल ये? सुना ही नहीं पड़ रहा, सही बोला क्या, क्या बोला सुनो तो, हमें बोल ना फिर से, तो हमें क्या सही क्या नहीं सोचना चाहिए। हाँ वेरी गुड, तो सही जवाब, वेरी गुड, मजा आ गया। मैं तो सोचा ऐसे ऐसे करता था तो मैं कहीं इसका हौसला थोड़ा कमजोर है, वेरी गुड। बोलेगा बेटे, हाँ क्या नाम तेरा, बाप नाम है, क्या नाम इसका, बोल बोल बोल, खड़े हो क्या, क्या नाम है बच्चे का, आदि 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 पुरुष, हाँ बोलो, अच्छा बैठी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, फिर से बोलू, कितने लोगों को याद हुई ये डायलॉग, क्या बात है, ओल्ड इज गोल्ड, उनके हाथ नहीं खड़े हो रहे किसी के, अभी सबको ऐसा लगे तो बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा भाई साहब, हर आदमी इस बात से दुखी है, एक टारगेट सेट कर लेता है, मैं प्रोफेसर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर हुकुम चंद भारत बनूंगा, मैं संजीव गोदा बन जाऊंगा, एक दिन ऐसा बन जाऊंगा, एक दिन वैसा बन जाऊंगा, काय को बन जाऊंगा, मैं गायक हूँ, सरकारी शाश्वत गायक हूँ, मुझे कुछ बनना नहीं है। हाँ भवितव्य को जो मंजूर हो वो मुझे मंजूर है, बस मजे करोगे आप, नहीं तो आप में से दुखी बने रहोगे, पक्के में दुखी बने रहो,
भाई साहब जब मैं पढ़ने आया था स्मारक में तब क्या सोचा था। और फिर एक सैड सॉन्ग गाओगे, क्या से क्या हो गया क्या से क्या हो गया, क्या हो गया भले आदमी, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या हो गया। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ भैया, मैं इसी बल पे जिंदा रहा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी। मैं भी ऐसे कल बिल्कुल बच्चा जैसे छोटा, और मुझे ऐसा लगता है मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी। और नौकरी तो समय भी बेरोजगारी थी, परेशानी लगती थी। मैंने तो एक ही बात सोची, अपना काम कर्तव्य, सुनो बेटे, बुद्धिपूर्वक कर्तव्य करो और समता से भवितव्य स्वीकार करो, मोक्ष में मिल जाओगे एक लाइन में। बोल बेटे क्या बोले। बोल नौगांव का बच्चे स्वागत का है, कहा है। बोल बोल खड़े हो गए, जल्दी बोल गए हम। मैं बोलू कौन बोलेगा बच्चों में। हाँ बेटे, कर्तव्य में सावधान और भवितव्य में समता, मोक्ष हो जाएगा, जाओ। नहीं पंडित जी, एक साल के अंदर सम्यक दर्शन लेना है, अब नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं पंडित जी, दो भाव में मोक्ष जाना है, नहीं होगा। हाँ बोलो, अब कौन बोलेगा, बोलो कौन बोलेगा, बोलो भाई। वेरी गुड बेटे, आवाज बोल बेटे, बढ़िया जवाब। हाँ समता, बस हो गया काम। बेटे 5 साल जम के पढ़ाई करो, जम के, क्या होगा ये तुम्हें भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम था। सच कहता हूँ, जब मुझे ब्रह्मचर्य का भाव आया था, मैं बहुत छोटा था, छठी कक्षा में था जब ब्रह्मचर्य का भाव आया था, 10-11 साल की उम्र रही होगी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं प्रवचनकार बनूंगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो उसकी छोटी बुद्धि में बस यही लगता था कि अपन अच्छे से खूब पढ़ाई करो, ताकि पढ़ाई करने के बाद अपने को यदि हो सका तो कहीं नौकरी मिल गई, पर नौकरी मिल गई भाई जब, तो फिर अपने कोई दिक्कत नहीं। भाई इतना सोचा था, कौन सी नौकरी होगी, क्या होगी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस नौकरी मिल जाए, कोई भी मिल जाए। मैं अपने हृदय की बात बताऊं, उस छोटी उम्र की बात आपको, सामान्य परिस्थिति थी, 10-15 लोग मेंबर का परिवार था, और पिताजी अकेले कमाने वाले, हम 5 भाई बहन। हमारे चाचा को पापा जी ने पढ़ाया, पिताजी ने, 2 बुआओं को पढ़ाया, उनकी शादियां करी, माने बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक जरा सी दुकान में से पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे कि तू ब्रह्मचर्य ले रहा है तो प्रेम से चला जा, और तेरे फंड में 1 लाख रुपए हम डाल दे रहे। क्योंकि 2 नुकसान, एक तो लड़का गया, ऊपर से पूंजी गई 1 लाख, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये मुझे 6ठी में समझ में आ गई थी यार। तब मुझे एक ही बात थी कि मेरे पास एक विजन था कि मुझे पढ़ाई करनी है, बस 6ठी कक्षा से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। 18 साल की उम्र में पहली नौकरी बिल्कुल घर बैठे मिली, उसका पेपर तक मेरा नहीं लगा। पेपर समझते हो, एप्लीकेशन फॉर्म, न पेन उसमें मेरा था, न एप्लीकेशन का कागज मेरा था। मैं पोस्ट ऑफिस में ऐसे ही गया, ऐसे ही, कि हमने सुना है यहाँ नौकरी निकली है। और लास्ट डेट थी, और 4:45 गया था, 5 बजे का अंतिम टाइम था उसका, 4:45 गए। मैंने सुना है नौकरी निकली, बोले हाँ तुम्हारा कितना परसेंटेज। मैंने अपना परसेंटेज बताया, 11th का परसेंटेज, और कोई से नहीं, 11th का। अरे तो बोले तुम्हारा तो परसेंटेज अच्छा है। तो उसी ऑफिस में से, मैंने जिसने नौकरी थी पोस्ट ऑफिस ने, उसी ने कागज दिया, उसी ने एक पेन दिया, उससे भर दिया, अगले दिन मार्कशीट की फोटोकॉपी दिया और लग गए। और दूसरी नौकरी भी ऐसी लगी कॉलेज की, अब लंबी रामायण नहीं सुना रहा हूं, वो भी ऐसी लगी। मैंने देखो मार्ग प्रशस्त होता चला गया। लेकिन मालूम पहली नौकरी कितने की थी, 500 रुपए की। मैं इतना खुश था, अब मेरा ब्रह्मचर्य सफल हो गया, अब मैं ब्रह्मचर्य में चला जाऊंगा आराम से, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपए बहुत है, एक आदमी की कितना खर्च आ रहा है, 500 रुपए बहुत। दूसरी 2000 रुपए की लग गई, सीधे डबल ट्रिपल 4 टाइम हो गया पैसा। तो और खुश हुए, काई बात के लिए खुश हुए, अब जल्दी नौकरी छोड़ देंगे। इस बात के लिए नहीं, नौकरी करते रहेंगे, जल्दी नौकरी छोड़ेंगे, छुट्टी होगी, जैसे 1 लाख जमा हो जाएगा अपन निकल जाएंगे। अब उस समय तक हम प्रवचनकार नहीं थे, लेकिन जब कॉलेज में पढ़ाने गए भोपाल में, तो मंडल में पाठशाला पढ़ाना शुरू करी। मंडल में पाठशाला पढ़ाते पढ़ाते प्रौढ़ कक्षा ली, मैंने वहां 5 परमागम पढ़े पढ़ाए, यह सब करते चले, बस सहेली बन गई। कॉलेज में तो पढ़ा ही रहे थे, तो सहेली होने में कोई देर नहीं होना थी, तो फटाफट बस काम शुरू हो गया। इधर जे हुआ
मैं चाहता तो एक साल या दो साल के अंदर ट्यूशन करके 1,00,000 जोड़ लेगा, लेकिन 10 साल लगे मुझे 1,00,000 जोड़ने में। लेकिन उस समय जो ट्यूशन पढ़ाता मैं 5-6-8 घंटे पर डे, उतनी देर मेरी रोज स्वाध्याय हुई। और उस स्वाध्याय का फल ये है कि जो पैसा मैंने आज तक कमाया, आज तक दोनों नौकरियों में से जो सेविंग हुई उसमें से 1 पैसा नहीं खाया मैंने। लेकिन जो ये कमाई की थी मैंने 13 साल, इस कमाई का फल मैं अनंतकाल सिद्धालय में भी खाऊंगा, मुझे इतना आनंद है इस चीज का। अब जी बन गई बात, काय बात के पैसे उत्तर दिया, कोई कोई याद है कोई काय बात के पैसे? मैंने दृष्टांत दिए बेटे, कर्तव्य में सावधान रहो और भवितव्यता को सहज स्वीकार करो, सहज होनी को स्वीकार करो। पंडित साहब की रचना में आता है, करो नहीं कल्पना असंभव अव यथार्थ स्वीकार करो। बेटे लिख लोगे बेटे आज 2-3 डायलॉग जिंदगी भर काम आएंगे आपको? कौन कौन लिख लेगा बोलो, अपनी अपनी डायरी में लिख लोगे? मुझे दिखाना, मैंने कर्तव्य भवितव्य के बारे में और इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आप। क्या होगा मुझे नहीं पता, केवल ज्ञान क्या होगा, होगा हमें क्या लेना देना, होगा जब हो जाएगा हमें स्वीकार है, लेट होगा तो लेट स्वीकार है, जल्दी होगा जल्दी स्वीकार। अब डॉक्टर साहब की सहेली समझ में आ गई, कहाँ जाओगे? कहीं जाए हम स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। कब मोक्ष होगा? आनंद भव, हाँ तैयार है आनंद भव में चले। आगे समझ में आया? बहुत अच्छी रचना है पंडित साहब की, सहज जीवन हमारा है, सहज जीवन बहुत प्यारी रचना है, सहज जीवन हमारा है। चलो भाई मैं भावुक हो रहा हूँ आज, क्या आज है, क्या करना चाहिए? आज प्रवचन अपने लेट शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 20 मिनट होने चाहिए अभी, यदि कहो तो ले लेता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ। बोलो भाई क्या कहना है? घड़ी के हिसाब से तो 1 घंटा होने में 20 मिनट तो है मेरे ख्याल से, ठीक है? आप सबका वोट है कि नहीं है, फिर कभी मिलेंगे भाई। अच्छा तो बेटी आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, मुझे मजा आ रहा है। देखो और सुनो, औदयिक भाव से दीन और महान नहीं अनुभव न, आगे लिखा है औदयिक भाव सुधरने मात्र से धर्मात्मा नहीं मान लेना, औदयिक भाव सुधरने मात्र से धर्मात्मा नहीं मान लेना, सम्यक दर्शन के पहले धर्मात्मा मत मान लेना। ऐसा मैं मुनि बन गया, ऐसे बन गए होंगे, औदयिक भाव बदला है तुम्हारा है, मैं अनुव्रती हूँ, क्या बदला? औदयिक भाव बदला, भले आदमी पंडित जी मैंने दुकानदारी छोड़ दी, पत्नी बच्चों से भी विरक्त हूँ, 10 घंटे माला फेरता हूँ, मैं तो चुप हूँ बिल्कुल, तो कुछ बोल, ये औदयिक भाव है। औदयिक भाव बदलने से महात्मा नहीं धर्मात्मा नहीं बन जाओगे आप, अतः इन्हें ऊर्ध नहीं करना, स्वयं के शुभ औदयिक भाव में रीझना नहीं। पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, स्वयं के औदयिक भाव में रीझना नहीं, तेरे चक्कर वो भी तुझे देखने लगा, चादर से मत खेलो बेटे, तुम इधर आ जा भैया, अच्छा बेटे रेड शर्ट तुम भी इधर आ जा, इधर आ जा, पीछे बैठते तो एक दूसरे का देखने में उपयोग लग जाए। बहुत सुंदर पॉइंट आया, स्वयं के एक बहुत गजब पॉइंट आ रहा है, जरा ध्यान से सुनो, स्वयं के औदयिक भाव शुभ हो तो रीझना नहीं, और अशुभ भाव औदयिक भाव हो तो खींचना नहीं। ये कम लोगों को समझ में आएगी बात, अशुभ में झट चिड़ी जा रही है, भगवान कैसे पढ़ना बिगड़े, क्या भगवान कब परिणाम सुधरेंगे, कब क्रिया सुधरेगी, क्या बोलो? अशुभ परिणाम में खींचना नहीं, शुभ परिणामों में रीझना नहीं, इसका नाम है भवितव्य को सहजता से स्वीकार करो, भवितव्य को समता से स्वीकार करो। क्यों क्यों उत्तर दूं? क्यों? यदि बहुत बारीकी से एनालिसिस करोगे ना आप, तो 1 घंटे में अनेकों बार शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, अंतर्मुहूर्त में अशुभ भाव आ जाएंगे, तुम रोते ही रहोगे बैठे बैठे। जब मैं छोटा था 14-16 साल के समझ लो, तो अनवांटेड थॉट्स आते हैं तो उससे मैं बड़ा परेशान, तो फिर मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि ऐसे भाव आ जाएंगे तो मैं उपवास करूंगा, ऐसे भाव आएंगे तो मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसे भाव आएंगे तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। और वो दिन भर में इतने सारे पकड़े गए भाव कि मुझे पूरी जिंदगी में पानी की एक बूंद ना मिला, मैं तो बड़ी आफत आ रही हूँ, करें क्या? फिर हमें कोई सच्चा रास्ता नहीं है,
फिर वही रास्ता समझ में आया, बहुत मेहनत से आया, बहुत देर से समझ में आया, लेकिन समझ में आया कि औदिक भाव। हाँ बोलो भैया, ये पॉइंट कौन सा पढ़ा था अपन ने बेटे? वो करने से होते नहीं है, और जब होते हैं तब रुकते नहीं। अपन तब मस्त रहो, मस्त रहो, जिंदगी में कोई टारगेट सेट नहीं करना, एक ही टारगेट पारिणामिक भाव देखना है बस। फिर जो होने को स्वीकार करो। पंडित साहब की रचना में से दो पंक्तियां गा रहा हूं, बहुत प्यारी है, चार लाइन गा देता हूँ, बहुत मस्त है, बहुत मजा आ रहा है। आज पता नहीं क्यों मजा आ रहा है मुझे, बहुत आज ऐसा लग नहीं रही मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग मैं परिवार में बैठा हुआ मस्त। चलो ठीक है, जैसा भी है। मुक्ति में व्यस्त है जैसा यहाँ अव्यस्त है वैसा, क्या क्या बोला बेटी, क्या 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 क्या? मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ, कैसी गजब लाइन लिखी पंडित साहब। एक और पंक्ति लिखी बहुत जोरदार, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, अहोत्पाद निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। मौके मिलना है बोलो, जी लाइन पकड़ लो, बैठ जाओ, होनी को स्वीकार करो, होन दीजिए हो रहा है, सब परिणाम गिर जाएंगे। बोलो, अपने परिणाम तो गिरते ही कहाँ है, सही बताऊं, आप में से किसी परिणाम नहीं गिरते। हाथ तो खड़े करो, कौन कौन के परिणाम गिर जाते, एक आध हाथ खड़ा करो, जरा कौन की परिणाम गिर जाती। तो बाबू भाई जी एक दृष्टान देते थे, एक दृष्टान दे, सुन लो बेटे तुम्हारे काम की बात, सब तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं सिखा रहे। बाबू भाई जी दृष्टान देते, पहले गुणस्थान वाला कहाँ गिरे मैं ऐसा कहते थे, एक आदमी कुएं में गिर पड़ा, चारों खाने से, तो उससे कहा भैया मुझे रस्सी डाल रहे, तू पकड़ ले, ऊपर आ जाने, हे गिर गया तो गिरा कहाँ गिरेगा तू, सब तू कुएं में पड़ा है, चारों खाने छिप पड़ा है नीचे, अब और कहाँ गिरेगा, नहीं 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 मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, गिर गया तो, समझ गए, पहले गुणस्थान वाला कभी गिरता नहीं। कहाँ गए हमारे प्रवीण जी, चले गए क्या गुणस्थान आरोहण क्रम में, आना जाना, क्या क्या करेगा आना जाना। हाँ मैंने पहले गुणस्थान से गिर के कहाँ जाता है जी, क्या खोजते रहो, जबरन रो रहे परिणाम गिर गए, परिणाम गिर गए, परिणाम गिर गए, कह नहीं सकते गिर गए, गिरा कहाँ गिरे भाई, पहले गुणस्थान से चढ़ने का तो क्रम है लेकिन पहले गुणस्थान से गिरने का क्रम कहाँ लिखा है, ये तो बताओ, कितना मजा करना चाहिए बोला। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, ग्यारहवें गुणस्थान से गिर गया, कितना कितना गंदा काम होना चाहिए, इतना बढ़िया पुरस्कार किया और ग्यारहवें गुणस्थान से गिरा, कितनी बड़ी गिरने की बात हुई भाई साहब। ये हो रही बाबू टेंशन नहीं करते, भवितों को स्वीकार करते और अंतर मुद्दे पे, फिर बारहवें गुणस्थान, तेरहवा जय जय नाथ परम गुरु हो, ले हो गया काम में पड़ गया। यदि आप देखो ना, केवल ज्ञान से पहले मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कि एक मिनट पहले पहले गुणस्थान में थे, मान लो गिर के धीरे धीरे क्रम क्रम से गिरते, वो तो आपने पढ़ लिया होगा, क्रम क्रम से गिर गए, अब मान लो पहले गुणस्थान में और एक मिनट बीता, धार 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 और केवल जी जी क्या चक्कर है, एक मिनट के अंदर, एक मिनट पहले पहला गुणस्थान, एक मिनट बाद तेरहवा गुणस्थान, जी तो चमत्कार है होनी को स्वीकार करने का, गिरने की भी टेंशन नहीं करना, कोई नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि हम उस ध्रुव के सहारे हैं जो कभी गिरता नहीं है। आई बात समझ में आ गई, चलू महाराज ने पढ़ो ये और क्या लिख रहा है, खींचना नहीं रीझना नहीं, बराबर, धर्मात्माओं के औदिक भाव देखकर सीखने का भाव तो आता है, आता है, लेकिन ये मोह है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, धर्मात्माओं को आदर्श मान के सीखने का भाव तो आता है, आता है, लेकिन वो है, इसलिए आगे लिखा है, परंतु अनुकरण मात्र पर्याप्त नहीं है, उनकी दृष्टि का अनुकरण करो,
क्या लिख रहे हैं, उनकी दृष्टि का अनुकरण करो। घाटिया का औदिक भाव दुख रूप है। अब एक नया पॉइंट, हमें यदि अघातिया में भी असत वेदनी दुख रूप लगती है तो गहरी भूल है। सबसे ज्यादा दुख रूप यदि कहा जाए कर्णाल योग में तो घाटिया कर्म, और अघातिया माने दुख के कारण ही नहीं है अघातिया, लेकिन फिर भी इसको असत वेदनी दुख रूप लगती है। ये बहुत बड़ा मिथ्यास है। इसीलिए हमारी पूरी शक्ति, आप यदि कहो तो एक घंटा प्रवचन होश पे, सबकी गहरी गहरी भूल है। आज भी हम असाता को टालकर साता का उपाय करने में जितनी शक्ति झोंकते हैं, भेद विज्ञान के लिए शक्ति नहीं झोंकते। पंडित जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, पहले तो मैं बहुत अच्छा स्वाध्याय कर लेता था, आजकल तो बिस्तर पे लेटा रहता हूँ। लड़की भाग गई, अब क्या करूँ, वो ऐसा हो गया, अब क्या करूँ, पंडित जी ये करो का घाटा हो गया, अब क्या करूँ। ढोर चंद मूरख चंद नंबर एक, ये पढ़ा था तुमने इतने दिन, बस 1 करोड़ का चले जाने से 1% दुख नहीं होता, लड़की भाग जाने से 1% दुख नहीं होता भाई साहब। और ये शरीर है ना, शरीर लगवा का शिकार हो गया बिस्तर पे पड़ा रहे, 1% दुख नहीं देता। ये अघातिया है, इसका नाम अघातिया। लेकिन रोना रोना रोने की आदत पड़ी हुई है तो अब यदि कोई बता दे ना, वहां चले जाओ टोड़ी फतेह पर, मुझे पता नहीं कहीं है तो नहीं कहीं, कोई वहां चले जाओ पदमपुरा, तो जब भी कोई भैया एक बार उधर ले चलो, एक बार उधर ले चलो, दम नहीं होगी तो 4 जन उठा के ले जाएंगे, बड़ी बाबा देह में नहीं बड़ी। मैंने ये असाता को टालने के लिए तो मर पच करके भी साता का उपाय करने तैयार है। और मैं कह रहा हूँ बहुत कड़क बात, असाता को बदल के साता मत कराओ, असाता से भिन्न देखो। सम्यक दर्शन हो जाएगा भाई साहब, देह तो छूट नहीं है, और 10 दिन जिंदा रह जाओगे, कहाँ फर्क पड़ो, और 6 महीने 6 साल 10 साल जिंदा रह जाओगे, वो किसी चमत्कार से नहीं, आयु कर्म से। लेकिन तुम्हें फिर जिंदगी लगे भैया हम तो मर गई वाले थे, उनने बताई उधर चले जाओ, हम वहां चले गए, ओ बड़े बाबा। कोई चमत्कार नहीं होता इसमें, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने को ही समझा रहा हूँ, ये समझ लो। ये इस पर मैंने समाधि मंडल में बहुत चर्चा की है, इसकी इस पॉइंट की समाधि मंडल में बहुत मेहनत की है, बहुत सोचा है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस अभी से चालू है, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ, आज भोजन नहीं मिला तो ये नहीं चाहता कि भोजन कैसे मिले, भोजन नहीं मिला तो भेद विज्ञान के लिए जितने पॉइंट हो सकते करो। मैंने 22 परीक्षा में बहुत प्रवचन किए, 65-70 घंटे से भी ज्यादा प्रवचन है, कुछ तो गायब हो गए होंगे लेकिन 65 घंटे के तो शायद आ गए होंगे। इतनी मेहनत की है मैंने, 14 परिचय पे 5-5-6-6 घंटे, स्त्री परिचय पे नग्न परिचय पे 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, खूब सोचा है, बोला है, मैंने बोला है, सोचा तो बहुत ही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बेटे, अपने सब उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सबको कह रहा हूँ बेटे, उसे सोचना सीखो। जब देखो जब असाता से साता की सोचने लगी, एक मैंने बहुत खतरनाक दृष्टांत दिया था, बोलूं, कोटा में कोटा गया था आज से 25 साल पहले, 25 साल पहले बहुत हो गए, तब मैंने वहां एक दृष्टांत दिया था खतरनाक, कि यदि कोई देवी देवता आ जाए धनवंत पद्मावती, और आधी रात के अंधेरे में ऐसा गला दबा दे, ऐसे गला कि मैं धनवंत पद्मावती हूँ और तू पारसनाथ की जय बोल तो छोड़ूंगा ही और नहीं तो मार डालूंगी। तो मैंने ऐसा दृष्टांत दिया था कि नहीं बोलूंगा मैं पारसनाथ भगवान की जय, नहीं बोलूंगा, तू मार दे तू मुझे, मैं नहीं बोलूंगा। पारसनाथ की क्या दिक्कत, पारसनाथ तो अपने ही है, सच्चे हैं। नहीं नहीं, असाता को टालने के लिए मैं साता बुलाने के लिए पारसनाथ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पारसनाथ भगवान का भेद विज्ञान का मंत्र याद करके मोक्ष जाना पसंद करेंगे, ये देश छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन मैं पारसनाथ का नाम नहीं लूंगा। कड़क रहे बात थोड़ी सी, भी तो अपने ही है, नमकान मन तो अपने ही है, नमकान मन बोलने में क्या दिक्कत है, कि नहीं इसलिए नहीं बोलूंगा। असाधा को टालने के लिए मैं उपाय नहीं करना चाहेगा, असाधा से भेद विज्ञान समझ गए बेटे। और बोलू एक बात, अभिव्यक्ति बात आ गई थी, एक कदम और सही बोलू, आज को नींद आ रही ना, घर चलना, चलो आज अंतिम, बस कल तो तू मिलेगा ही नहीं, वैसे भी नहीं मिलोगे तो चलो अंतिम अंतिम बात, ये घड़ी तो भाग ही गई,
चलो अंतिम बात सुन ले। हाँ अलग अलग है ना थोड़ा अंतर, कोई बात नहीं। चलो ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात कहता हूँ। क्यों बेटे, जब भरपेट बढ़िया भोजन मिलता है तब तुम्हें वेद विज्ञान की याद आती है? जब इज्जत आवकार मिलता है, खूब सम्मान मिलता है, मालाएं मिलती है, वीडियो खींचती है, फला फला होता है, जय जयकार होती है, तब आपको याद आती है कभी वेद विज्ञान की? आपको बोलूं कुछ? असाता के उदय में तो मिथ्या दृष्टि भी विचार करने लगता है, भगवान कर्म गति फला पूर्व कर्म हे भगवान कुछ कुछ सोचता है, वो तो मिथ्या दृष्टि पामर भी सोच लेता है। असली पुरुषार्थी वह है जो साता के उदय में भी भेद विज्ञान करता है कि ये मेरा नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूँ, इसमें मेरा हित नहीं है। रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, क्या कि न चली जाए, प्रवचन करने का चांस नहीं चला जाए, किसी को खुश करो, किसी को खुश नहीं, कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, ख्याति जाए चली जान दे, ख्याति के जाने से मैं नहीं चला जाता। पंडित जी ऐसी बात मत करो, क्यों नहीं कर रहा? इस मामले में डॉक्टर साहब बिल्कुल आज क्या से खुल के कह रहे थे, सुबह बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जाति इसमें क्या है और फला क्या है, एकदम क्या है उसने, कितनी कितनी बातें, कुछ एक बातें ऐसी बोली नहीं की एकदम जी, उनकी निर्भीकता बताती। वे कहते हैं हम तत्व पर अड़िग हैं, हम व्यक्ति से नहीं बंधे हैं, हम तत्व से अधिक होकर के वीर हैं, हम किसी व्यक्ति की किसी सेठों को खुश करने के लिए नहीं है। अरे साहब गुरुदेव का नाम 25 बार लेते हैं, बैंसी का नाम 10 बार लेते हैं, उनका नाम 25 बार लेते, और जो इनका नाम नहीं लेता जी जी नाटक नौटंकी चलती रहती। गुरुदेव श्री को अमर करने का सबसे अच्छा रास्ता है तत्व ज्ञानी बनो, स्वाभिमानी बनो, अपने भेद विज्ञान के बल पर जिंदा रहना सीखो, उसके लिए चाहे दुनिया माने या ना माने, ठुकराए तो ठुकरा दे। वस्तु स्वरूप अद्भुत है। चलो भाई अब तो पूरा नहीं हो सकता, ये पॉइंट तो नहीं बहुत अच्छे हैं, मैं खुद ही फिदा हूँ इन पॉइंटों पर। पढ़ लेना आप लोग हैं, और 6 पेज हैं अभी, आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे बिंदु हैं, रीजने जैसे बिंदु हैं, मस्त है। अभी से क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा बेटा सावा, नहीं ये पैसे देना सबको 10-10 करोड़, वैसे पैसे वैसे कोई दम नहीं हो। लेकिन क्या करें, टोकन मनी है बस, ये बच्चों मन करता है देख करके। बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, सच में देख के तबीयत खुश हो जाती सबको। चलो ओम नमः शिवाय।